वी हैव टू प्रूव दैट कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूँ. एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज विच इज कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए, दैट इज कॉट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ ए. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोसेक ए को आप लिख सकते हैं, कोसेक ए को आप लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, बिकॉज साइन ए इंटू कोसेक ए वन के बराबर होता है. कॉट ए को आप लिख सकते हैं, कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए. सिमिलरली टेन ए को आप लिख सकते हैं, टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए के. और इनकेस अगर ये तीनों डाटा को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में यूज करता हूँ तो न्यूमेटर में आप देख सकते हैं कि ये बनेगा वन अपॉन साइन ए, इसको आप वन अपॉन साइन ए लिख सकते हैं. कॉटे को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए. इसके बाद टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए के. इनकेस अगर मैं इसको फर्दर ओपन करूं तो न्यूमेटर में तो आप सिंपली वन अपॉन साइन ए रहने दीजिए, और डिनोमिनेटर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इसका एलसीएम लिया हुआ है विच इज ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए. और इन केस अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, दिस इज योर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. नाउ वी नो इट वेरी वेल दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज इक्वल टू वन. अब क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन के इक्वल होता है तो ये बनेगा वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए के. यहाँ पे आप इजिली चेक कर सकते हैं कि साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो गया, और इसको जब आप फर्दर ओपन करेंगे तो फाइनली यू आर गेटिंग कॉस ऑफ ए विच इज द राइट हैंड साइड फॉर द गिवन प्रॉब्लम.